को ओपन कर लेते हैं। और ये मैंने एक साथ में स्पैचुला भी मिला है स्टिक का हमें, और ये हमारा डोसा का हैंडल है वो भी काफ़ी अच्छा है, वुड का ही है तो ये ख़राब नहीं होगा। ये नहीं, बहुत ही रेयरली मिलेगा और मिलेगा तो काफ़ी कॉस्टली। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रियंका हैप्पी किचन। आज मैं आपसे कोई रेसिपी का वीडियो नहीं शेयर करने वाली हूँ, आज मैं आपसे एक सरप्राइज़ गिफ्ट बॉक्स है जिसे मैं अनबॉक्स करने वाली हूँ, आपके सामने शेयर करने वाली हूँ उसे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आप भी मेरी तरह कुकिंग चैनल पे काम कर रहे हैं, तो अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो मेरा गिफ्ट है वो है एंजेली स्टायरो नॉन स्टिक के इंडक्शन गिफ्ट सेट। ये 3 पीस का कुकवेयर सेट है, तो मैं इसी को आपसे शेयर करने वाली हूँ। क्या होता है ना कि हम अगर आप भी अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कि हम एक साथ कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो 200-400 रुपये हमारे सेविंग भी हो जाते हैं, और काफ़ी कम बजट के अंदर हमें एक रीज़नेबल प्राइस के अंदर हमें अच्छे ब्रांड के कुकवेयर सेट हम ख़रीद सकते हैं। तो ये मैंने इसके बारे में काफ़ी रिसर्च किया था, तब मेरे को पता लगा, मैंने सर्च किया तब, तो ये काफ़ी महंगा ब्रांड भी है लेकिन ये काफ़ी अच्छा भी है। इसकी जो पहले मैं आपको अनबॉक्स कर देती हूँ, फिर मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। तो इसको ओपन कर लेते हैं और ये मैं निकाल लेती हूँ बाहर। तो सबसे पहले है इसका ये फ्राई पैन, ये है हमारी नॉन स्टिक की कढ़ाई, और इसका जो लिड है जो इसकी वो कांच की है। एक साथ में स्पैचुला भी मिला है स्टिक का हमें, और ये हमारा डोसा पैन भी इसके अंदर है। जो इसकी ग्रेनाइट की जो कोटिंग है ये काफ़ी सुंदर है और ये ख़राब भी नहीं होगी, मैं एक बार हटा के दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छी वाली है, आप इसे वॉशेबल भी है, ये बिल्कुल नहीं उतरने वाली, जब आप धोएंगे तो बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो ये काफ़ी अच्छा है, मुझे इसी कलर का ग्रेनाइट चाहिए था जो पैन मैं चाह रही थी लेना, ये तो काफ़ी रीज़नेबल भी और काफ़ी अच्छा भी है, और जो इसका हैंडल है वो भी काफ़ी अच्छा है, वुड का ही है तो ये ख़राब नहीं होगा। तो दूसरा जो आइटम है वो है ये पैन, तो ये नॉन स्टिक की भी है, आप इसे इंडक्शन पे इस्तेमाल कर सकते हैं और गैस पे भी इसे यूज़ कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ड्यूरेबल है, और इसको इजीली ये 3 साल तक भी ख़राब नहीं होने वाले हैं, ड्यूरेबल इनकी काफ़ी अच्छी चलेगी, इसकी लाइफ लॉन्ग है ये। और हैंडल मैंने आपको बता ही दिया स्टील का है, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला है। और लास्ट में आती है हमारी ये कढ़ाई, तो ये हमारे कांच का ढक्कन है, जो अगर आप अदर ब्लैक वाली में ऑर्डर करते हैं तो वहाँ पे आपको ब्लैक में मिलेगा, लेकिन जो उसका ढक्कन मिलेगा वो स्टील में भी मिल सकता है। मेरे को ये कांच वाला ही चाहिए था तो मैंने इसको ये मिला है, और मुझे किस वक्त से कांच वाला ही मिल गया। और ये हमारी कढ़ाई, ये अगर मैं अब उसके हिसाब से बताऊँ तो ये 3 लीटर के अप्रॉक्स इसमें आराम से बन सकता है खाना, आप फ्राई वगैरह कर सकते हैं, और ये भी इंडक्शन बेस्ड भी है और आप इसे गैस पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हैंडल भी काफ़ी अच्छे हैं इसके, और वॉश करने के लिए इसका कवर भी इसमें दिया हुआ है। तो अगर आप इसका स्पैचुला जो है वो लकड़ी का है, आप इसके अंदर जो स्टील के जो स्पैचुला वगैरह होते हैं वो इस्तेमाल ना करें, स्क्रैचेस पड़ सकते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, आप चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं। एक और प्रोडक्ट है जो मैं आपसे, वो मैंने खुद से परचेज़ किया है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो अदर इसके अलावा जो मैंने ख़रीदा है वो ये है कि मैंने ये ऑफलाइन लिए हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये मैंने, ये ओरिजिनल वुड के हैं, मैंने जब ऑनलाइन इनका सर्च किया तो ये काफ़ी कॉस्टली मुझे पड़ रहे थे, तो मैंने ऑफलाइन जाके ही लेना ज़्यादा ज़रूरी समझा। तो ये है सर्विंग थाली भी बोल सकते हो अगर इसको बोलो तो, और अगर आप उल्टा करके कर देंगे तो ये चॉपिंग बोर्ड भी बन जाएगा, और सुंदर तो इतना लगेगा जैसे आपने पेड़ की कटिंग से इसको कट किया है, कोई कह नहीं सकता कि ये चॉपिंग बोर्ड है। और सीधा करोगे तो आप इसे सर्विंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जो भी रेसिपीज़ हम बनाते हैं तो उसे सर्व करके दिखा सकते हैं, तो बहुत ही सुंदर है। और इसकी प्राइस अगर मैं बताऊं तो 300 का मुझे ये ऑफलाइन पड़ा है। आप अगर ऑनलाइन सर्च करेंगे, पहली बात तो इस तरह का आपको मिलेगा ही नहीं, बहुत ही रेयरली मिलेगा, और मिलेगा तो काफ़ी कॉस्टली है। और सेकंड जो है वो ये है मेरा चॉपिंग बोर्ड, मैंने दूसरा ख़रीदा, एक मेरे पास ऑलरेडी है, वो काफ़ी पुराना हो गया है, तो ये मैंने लिया है। ये भी ओरिजिनल वुड का है लेकिन इसके ऊपर पॉलिश नहीं हो रखी है, सिंपल कटिंग से किया हुआ है, और ये काफ़ी हैवी भी है। तो ये भी मैंने 300 की रेंज में ही लिया है, ऑफलाइन जाके लिया है, ऑनलाइन मैंने सर्च किया था तो ये 3 का सेट मिल रहा था, बट ये काफ़ी कॉस्टली था तो मैंने नहीं परचेज़ किया। तो अगर आप भी चाहें तो ऑनलाइन ना लेके आप ऑफलाइन ले, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये काफ़ी अच्छा भी है, मतलब ज़्यादा छोटा भी नहीं, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, बहुत अच्छा है। तो
ये मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। और तीसरा जो मैंने, ये है सर्विंग ट्रे हमारी प्यारी सी, तो इस पे पॉलिश होके रखी हुई है, तो ये भी रेंज तो इसकी सेम ही है और ये काफ़ी सुंदर भी है और काफ़ी हैवी नहीं है बट बहुत अच्छी है, तो अगर आप चाहें तो इसे भी ले सकते हैं। ऑनलाइन मैंने आपको फिर बताया ओरिजिनल वुड के अगर आप ऑनलाइन परचेस करते हैं तो काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं, तो ये मैंने ऑफलाइन ही लिया है। और लास्ट एंड लीस्ट ये मेरा फेवरेट है, मैंने काफ़ी जो कुकिंग चैनल्स पे जो अपने रेसिपीज शो करते हैं मैंने उन सबके पास देखा, ये मेरा फेवरेट है, मैंने बहुत सर्च किया, मुझे काफ़ी टाइम के बाद ये मिला है। ये मैंने 300 की रेंज में ख़रीदा है और ये भी ओरिजिनल वुड का है, काफ़ी हैवी है, मैंने ऑनलाइन देखा था बट वो 295 का था, वो छोटा था, तो ये मेरे को 300 में काफ़ी बड़ा साइज़ का मुझे मिल गया है और ये बहुत अच्छा भी है। तो आई होप कि आपको पसंद आए, पिज़्ज़ा वगैरह आप सर्व करना चाह रहे हैं या कोई पराठा वगैरह सर्व करना चाह रहे हैं तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। और लुकिंग में इतना सुंदर लगता है ना जब आप रेसिपीज़ को सर्व करते हैं खाना, तो वो बहुत लुकिंग ग्रेट देता है, इसके अंदर ग्रेस आ जाता है हमारे खाने के अंदर, तो आप ये ज़रूर लीजिएगा, मैंने तो काफ़ी मुश्किल के बाद मुझे मिला है तो मैंने लिया है, तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। सो फ्रेंड्स, ये जो मैंने कुकिंग चैनल से रिलेटेड मैंने जो आइटम्स मैंने खरीदे, जो मुझे गिफ्ट मिला, तो सोचा मैं आपसे शेयर करूं, क्योंकि आप भी कुकिंग पे ही काम करते हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं मेरे साथ काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं वो चैनल पे काम करते हैं, कुकिंग रेसिपीज़ बनाते हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी वैल्यूएबल चीज़ है ये, तो वो ख़रीदते ही रहते हैं, तो मुझे लगा कि शायद आप लोगों से शेयर करना चाहिए ये वीडियो। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा मैंने जो भी ख़रीदा है, जैसा भी ख़रीदा है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको, कि मैंने कुछ गलत लिया या नहीं लिया, आपको कैसा लगा मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने लिया है, रीज़नेबल है या नहीं है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, बाय बाय।